हे गाइज, हम हमेशा ही साइंस किट अमेजन से ही मंगाते हैं, बट इस बार हम फ्लिपकार्ट से एक किट मंगाए हैं। फ्लिपकार्ट में इस तरह का किट जल्दी से मौजूद नहीं रहता है, लेकिन हम पहली बार कोई किट फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास सॉलिड केमिकल्स 20 से ज़्यादा पहले से थे, हमारे पास कुछ लिक्विड केमिकल्स का कमी था, सो हमने एक ऑर्डर मंगाया है फ्लिपकार्ट से। पहली बार एक बहुत सारे केमिकल्स खरीदे हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम इम्प्रूव केमिस्ट्री किट को अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या क्या केमिकल्स हैं। और वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 32 केमिकल्स दिखाया जा रहा है, तो चलिए हम देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। इम्प्रूव केमिकल किट को हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जैसे हम खोलेंगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वाह, पहले तो दो कार्ड हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह ये मिल जाएगा आपको, लेकिन फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा प्राइस कम था क्योंकि फ्लिपकार्ट में इस तरह चीज़ मिलता नहीं है। देखिए, दो सारी चीज़ें, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है हमको। वाव, लिक्विड, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रखा गया है, करीब 100 ml दिया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद यह है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसी तरह करके कुछ बड़े बड़े बोतल्स हैं, देख लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरे देखेंगे। यह है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 100 ml। फिर दिया गया है कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में पाए जाने वाला एसिड भी 100 ml करीब है। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या है इस साइड पे। तो यहाँ पे है जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, मतलब जिंक के डस्ट, ये इससे हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। और चलिए यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मैग्नीशियम का रिबॉन है, मैग्नीशियम का। फिर कॉपर डस्ट है, मतलब रिएजेंट्स दिया गया है बहुत सारा, कॉपर का डस्ट, एल्युमिनियम फॉयल, और ये रहा आयरन का नेल। चलिए ये सब छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं भाई, जिसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या पता नहीं, बाद में देख लेंगे, उस तरह रखते जाते हैं। फिर इसमें भी कुछ लेबलिंग किया हुआ नहीं है, शायद यहाँ से पता चल जाए। यह है नेस्लर रिएजेंट और दूसरा है आयोडीन सॉल्यूशन। यह नेस्लर रिएजेंट और ये रहा आयोडीन का सॉल्यूशन। फिर हम देखते हैं पे क्या है, ये है फेनोफ्थिलिन, मतलब इंडिकेटर, फेनोफ्थिलिन दिया गया इंडिकेटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ये सब बाद में देखेंगे। और ये रहा फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ पे रख देते हैं। फिर ये एसिटिक एसिड, हमारे पास पहले से भी एसिटिक एसिड था, दिखा देते, ये रहा, देखिए एसिटिक एसिड था, है एसिटिक एसिड मिल गया डबल फिर से। और यहाँ पर और एक है, यह है फेनॉल, फेनॉल है, मतलब बहुत सारा केमिकल्स हमको मिल जाता है करीब 1000 रुपये में। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटासियम परमैंगनेट, फिर है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम परमैंगनेट, और ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह करके। चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता। तो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है, इंडिकेटर्स है, बहुत सारा है। यहाँ पे कुछ मेटल्स रखे हुए हैं करीब 4-5, और यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारे सॉलिड। ये रहा सल्फर, और इसी तरह करके हमारे पास बहुत सारे केमिस्ट्री के लिए किट हमने पहले भी मंगा के रखे हैं। आप देख सकते हो करीब 20 केमिकल्स किट रखे हुए थे, वो सब सॉलिड था, जैसे कि इसे साइड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह करके बहुत सारे केमिकल्स थे हमारे पास। और अभी फिर से इसमें बहुत सारे जो किट्स निकले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सारे बहुत सारे केमिस्ट्री के किट्स हैं वो हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, ये सारे सॉल्ट ही हैं, जैसे कि स्टार्च का पाउडर है, ये वाला स्टार्च पाउडर, फिर ये रहा बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर एक उठाते हैं चलिए सोडियम कार्बोनेट, फिर ये क्या रहा, जिंक सल्फेट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास पहले भी सॉल्ट थे, देखिए वहाँ पे, और ये न्यू मंगाए हैं। और ये सारे एसिड से रिएक्शन करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और फिर सोडियम
हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फेनोफ्थलीन, मेटल्स। देखिए बहुत सारे रिएक्शन आप देख सकते हो जाएगा हमारे इस सारे केमिकल किट से। चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपको ये 1000 रुपये का किट्स है, ये सारे किट्स आप जो देख रहे हो ना, ये इसमें 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 इसमें, तो आप बताओ कि 1000 रुपये में ठीक किट है या नहीं। और ये जो किट्स आप देख रहे हो करीब 20 केमिकल्स, ये करीब 500 के थे और ये करीब 1000 के हैं। लिक्विड केमिकल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। कमेंट करके बताइए कैसा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम बहुत सारे रिएक्शन करेंगे।